हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग मेरे चैनल के अंदर आ चुके हैं। तो आज अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर 9.1। और यहाँ पे अपन देखेंगे कि कैसे करेंगे ये 8th क्वेश्चन को, कि 8th क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसमें एक स्टेटस इज 1.6 मीटर टेल स्टैंडर्ड टू टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, मतलब एक टावर लगा हुआ है जिसमें जिसकी मतलब हल्की सी हाइट जो है 1.6 मीटर है, और वहाँ से अपन ग्राउंड में देख रहे हैं नीचे, एंड एंगल ऑफ एवेलेशन टॉप टू स्टेटस 60 डिग्री। तो वहाँ से देख रहे हैं तो ये कितना दिखाई दे रहा है अपने को, यहाँ पे 60 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए, और दूसरा एंगल एवेलेशन ऑफ अ टॉप इन पेडिस्टल 45 डिग्री। मतलब दोनों को एंगल, दोनों एंगल दे दिए, एक 60 का बन रहा है, 45 का एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो अब अपने को यहाँ पे पूरे पेडिस्टल की हाइट निकालनी, मतलब एक मतलब जो ऊपर लगा है पॉइंट उसकी सिर्फ हाइट दे रखी है अपने को पूरे उसकी हाइट पेडिस्टल की निकालनी है। तो देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे अपन, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे कि यहाँ पे अपने पेडिस्टल 1.6 मीटर दिया हुआ है, जो यहाँ पे मतलब पॉइंट लगा हुआ, तो वहाँ से अपन ने एक 60 डिग्री का एंगल देखा और एक 45 डिग्री का एंगल देखा। तो पहला अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, ये नाम दे देना ए बी सी डी जो भी नाम है। तो अपन इसमें एक नया ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल बोले तो 60 डिग्री का ले लेंगे, ए सी ए सी डी मतलब पूरा एक ट्राइंगल ले लेंगे। तो इसमें अपन टेन थीटा इक्वल में पी अपॉन में बी लगाएंगे, इसमें लगाएंगे तो टेन 60 थीटा अपने पास कितना है 60 डिग्री है, और जो पी है अपने पास तो पी ए बी, ए बी प्लस में बी सी है, ठीक है, ए बी प्लस में बी सी, और जो बेस अपना बेस की बात करें तो डी और सी है, ठीक है। अपन यहाँ पे देखेंगे, अब जो टेन 60 की वैल्यू होती है तो यहाँ पे रूट 3 होती है, और इक्वल में ए बी की वैल्यू 1.6 पहले से पता है, प्लस में बी सी अपन ने रख दिया और डी सी। अगर आप लोगों को अगर वैल्यू नहीं याद हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वैल्यू याद कर सकते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डी सी का, डी सी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी रूट 3 इक्वल में 1.6 प्लस में बी सी आ जाएगा, ठीक है। और फिर से अगर डी सी निकालना है तो इसके अपॉन में √3 आ जाता है। तो ये अपने यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया। अब अपन दूसरे ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं अपन। अपना यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल बन जाता है, दूसरा ट्राइंगल अपना क्या बनता है, यहाँ पे बी सी डी है जिसमें टेन थीटा इक्वल में पी अपॉन बी लगाएंगे। इस बार थीटा अपन क्या रखेंगे यहाँ पे 45 डिग्री और बी सी अपॉन में डी सी, ठीक है। टेन 45 की वैल्यू अपने को पता है 1 होती है, इक्वल में बी सी अपॉन में डी सी, ठीक है। तो अपन इसको अगर इंटू करेंगे तो डी सी इक्वल में बी सी आ जाएगा, और जो अपनी डी सी की वैल्यू है 1.6 प्लस में बी सी अपॉन में √3 बनी थी, और अपन क्या ये क्या निकल गया यहाँ पे बी सी निकल गया है, ठीक है। देखेंगे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखा आप लोगों ने क्या करा, इसको हमने ए बी सी में √3 का इंटू कर दिया है, इक्वल में 1.6 प्लस में बी सी पहले से था। अब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए अपन इसको राइट हैंड साइड उठा लाते हैं, तो उठाने के बाद अपन ने यहाँ पे बी सी को इधर लेफ्ट हैंड पहुँचा दिया, ठीक है। अगर बी सी अपन इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस में 1 बच जाएगा, ठीक है। अपन में 1 बचा लिया और √3 को किसके पास पहुँचा दिया, बी सी की वैल्यू निकाली, तो √3 इसके 1.6 अपॉन में √3 माइनस में 1 लगा दिया अपन ने, ठीक है। इसके बाद देखा कि अपन इसमें रेशलाइजिंग कर रहे हैं, रेशलाइजिंग करने दिया माइनस का, तो अपन इन दोनों में क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे, √3 + 1 और √3 + 1। इसके बाद 1.6 √3 + 1 और ये √3 का स्क्वायर और 1 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया है। अपन ने देख लिया कि यहाँ पे 1.6 √3 + 1 और ये 3 माइनस में 1 हो गया। इसके बाद अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये यहाँ पे 1.6 √3 + 1 आ गया है, और ये 2 अपना यहाँ पे क्या बच गया है, अपॉन में बच गया है। तो अपन इसको क्या करेंगे, अब इससे डिवाइड कर देंगे, तो 0. कितना आ जाएगा यहाँ पे, 8 आ जाएगा, और √3 + 1 मीटर आ जाएगा। अगर आप लोगों को और वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे √3 की वैल्यू रख दीजिए और 1 प्लस कर दीजिए, और 0.8 से प्लस कर देंगे तो ये आगे की वैल्यू इसमें आ जाएगी।